तुम्हाला खूप शुभेच्छा पुढील वाटचालीसाठी. थँक यू. चलेंगे, मैच इंपॉर्टेंट है. दोनों टीमों ने एक एक मैच जीता है. बिल्कुल, जो जीतेगा उसके लिए अंतिम यानी कि छठे मैच के लिए जाने का मौका मिलेगा. आरंभिक बल्लेबाज होंगे स्ट्राइक पर, श्रीतेज अलमन क्रिकेट टीम, मावड़ा प्रतिष्ठान कुल्डोवाड़ी क्रिकेट टीम पुणे यहां पर मैच खेल रही है. बैटिंग करने का उन्हें नियोता दिया जा रहा है. आरंभिक बल्लेबाज होंगे स्ट्राइक पर बैटिंग करने के लिए. सूर्य लोहार और शरद पार्टी की जोड़ी बल्लेबाजी करने के लिए होंगे स्ट्राइक पर. नो स्ट्राइकिंग और नो स्ट्राइकिंग गेंद पे और गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए पहली ओवर लेकर गेंदबाजी करने के लिए आएंगे अक्षय देशमुख. शरद पारगे और सूर्य की जोड़ी. चलेंगे इस बार गेंदबाजी करने के लिए. गेंद थोड़ी सी शॉर्ट गेंद आई, पहली गेंद पर पिक कर लिया. इस बार गेंद को उठाकर खेला जा रहा है और ये गेंद जा रही है बिल्कुल पुल नहीं बल्कि पावरफुल वंडरफुल ब्यूटीफुल स्ट्रोक निकलता वहां. सीधी गेंद जा रही है स्क्वायर लेग, सी बारी का पार करती गेंद. छह रन के लिए पहली गेंद पर आक्रमक अंदाज की शुरुआत. पहला चेंडूवर सनसनाटी षटकारी तक खिंचला गेला फलंदाज शेरूकडून. अक्षय देशमुख गेंदबाजी करने के लिए पुनः या षटकातील पुढील चेंडू घेऊन गोलंदाजी करतोय अक्षय देशमुख. त्याचा सामना करेल तो फलंदाज शेरू. इस बार गेंद को मारा जा रहा है, गेंद जा रही है बिल्कुल ब्राउन फील्डर के ऊपर से निकलती गेंद. लॉन्ग ऑन सी बारी का पार कर रही है. बैक टू बैक निकलने वाला यह दूसरा छक्का निकलता हुआ. शेरू के बैट से निकलने वाला दूसरा छक्का निकल रहा है. चलेंगे फिर से इस बार गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए बॉलिंग करेंगे वहां पर अक्षय देशमुख की. ये गेंदबाजी थोड़ी सी महंगी चल रही है. पहली गेंद शॉर्ट मिली, उससे गेंद को खेला स्क्वायर लेग सी मार्कर के ऊपर से और दूसरी गेंद थोड़ी सी ओवर पिच मिली, इसे लॉन्ग ऑन फील्डर के ऊपर से खेला जा रहा है. बैक टू बैक निकलने वाले दो छक्के लगने के बाद फिर से अक्षय थोड़े से दबाव में है गेंदबाजी करने के लिए. अक्षय गेंदबाजी करेंगे बल्लेबाज शेरू के लिए. नो बॉल का इशारा बताया जाता हुआ. नो बॉल का इशारा इस बार क्लासिकल एक्सलेंट ब्यूटीफुल वंडरफुल स्ट्रोक निकलता हुआ. सीधी गेंद नो बॉल प्लस छह आएंगे टोटल सात रन. ये तो बिल्कुल एक्सलेंट स्ट्रोक खेला जा रहा है. छह रन के लिए निश्चित ही यहां पर टोटल स्कोर दो गेंदों में रन बने हैं 19 रन. दोन चेंडू मध्ये तब्बल 19 धावा बनवले गेलेत. मैदान में थोड़ी सी ठंड की लहर चल रही है लेकिन बल्लेबाज इस वक्त थोड़े से अलग मूड में है. आक्रामक अंदाज की बैटिंग खेल रहे शेरू. लगातार तीन गेंदों में तीन छक्के लगा चुके हैं. फिर से नोबॉल का इशारा, फिर से गेंद को आसमान में ऊंचा मारा जा रहा है. फिर भी गेंद जाएगी वहां पर, जब तक की गेंद लॉन्ग ऑफ फील्डर की बाजू से निकल रही है. गेंद जाएगी बिल्कुल नो बॉल प्लस यहां पर फिर से छह रन यानी कि टोटल सात मिलेंगे वहां पर. सात रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल स्कोर 26 रन. निश्चित ही इस मैदान में राज सर बहुत सारे मैचेस हमने देखे लेकिन दो गेंदों में 26 आए वहां पर. फ्री कंटिन्यू होगी वहां पर. खूबस खराब सुरुआत इथं आणि गोलंदाजाच्या मात्र समस्यामध्ये प्रचंड वाढ होताना दिसत आहे. नो बॉल वरती नो बॉल, फ्री हिट वरती फ्री हिट और चार छक्के लगातार लग चुके शेरू के बैट से वहां पर. फिर से ये पांचवा छक्का चला जाएगा और चला गया वहां पर. लगातार पांच गेंदों में पांच छक्के लगाए शेरू ने वहां पर और टोटल स्कोर यहां पर तीन गेंदों का खेल बिल्कुल पूरा होने के बाद रन संख्या इस वक्त पहुंच रही है 32 रन. अपने स्पर्धे में पांच चेंडू थी पांच षटकार माराइचा पहला
असा हा रिकॉर्ड आहे, 5 चेंडूर 5 षटकार। तसं झाले 3 एकूण, परंतु 2 नो बॉल आणि टोटल टाकले गोलंदाजांनी 5, तर 5 षटकार लगातार पहिल्यांदाच रिकॉर्ड। नाहीये शॉर्ट बॅकफुट पॉइंट एरियातून हा मात्र सीमापार जरूर जाईल, परंतु षटकार नाही, 4 आहे। ये शुरू के बैट से निकलने वाला खूबसूरत स्ट्रोक निकलता हुआ, भले ही थोड़ा सा विश्वास भरा नहीं था, एज जरूर लगा, लेकिन गेंद जो है गैप में निकल रही है। इसु बिराजदार गेंद को रोकना चाहते थे, नहीं रोक पाए, फिर भी गेंद बाउंड्री के बाहर जाएगी। 4 गेंदों का खेल बिल्कुल पूरा होने के बाद स्कोर है 36 रन, यानी कि हर गेंद के पीछे 9 रन आ रहे वहां पर। 36 धावा 4 चेंडू नंतर ये टीम है बिल्कुल श्रीकांत पाटिल साहब की टीम, यानी कि मावड़ा प्रतिष्ठान की टीम। इस बार ये लगातार, ये तो बिल्कुल बहुत ही एक्सलेंट है, बहुत ही ब्यूटीफुल है यहाँ पर। 36 आणि 6 42 5 चेंडूर 42, आता तशा 43 धावा एकदा बनलेल्या आपण पाहिल्या होत्या। आणि महाराष्ट्राचा लाडका ऋतुराज गायकवाडच्या बॅटमधून नो बॉल वर षटकार आणि लगातार 6 असे 7 षटकार आणि 1 नो बॉल बघितला होता आपण, आता किती बनतील पाहूया। इथं 5 चेंडूर 42 आल्या, तर टोटल आपण जर तसं पाहिलं तर या षटकामध्ये 7 चेंडू फेकले गेले आहेत आणि या 7 चेंडूवर 42 धावा आता पण वसूल केले गेले आहेत। शेवट चेंडूवरती या ठिकाणी बघूया, परंतु काळजीत पडले गोलंदाज, इथं काळजीत कॅप्टन, खूपच अडचणीत वाढ झाली आणि ती मात्र अक्षय देशमुख। निश्चितच क्रिकेट प्रेमी श्रीकांत पाटील साहेबांचा संघ इथं मात्र तगडी फलंदाजी करतोय। सकाळी जे चुका झाल्या त्या मात्र चुका इथं सुधारण्याचं कारण हे दोन संघ कुर्डुवाडीमध्ये आमने सामने ठोकले होते। नक्कीच एकमेकाचा सामना कुर्डुवाडीत झाला या दोन संघाच्या दरम्यान। अक्षय देशमुख शेवटच्या मात्र चेंडूला घेऊन चाललाय राईट आर्म राउंड, शरद पारगे हवेत आणि लॉन्ग ऑनच्या वरून, क्या बात है भाई, टोटल कितने 6 हो गए, टोटल 6 कितने हो गए काउंट कर दीजिए, टोटल 7 छक्के और 1 चौका, टोटल 48 एक ओवर में। सात षटकार आणि 1 चौकार या षटकामध्ये, आणि 48 धावाचं हे मात्र आपल्या स्पर्धेचं सर्वाधिक महागड पहिलं शतक आहे। रेकॉर्ड मोडलं गेलं, 43 का रेकॉर्ड तोडा आहे, यानी कि ऋतुराज गायकवाड का भी रेकॉर्ड इन्होंने तोडा आहे। और नए गेंदबाज आएंगे वहां पर बॉलिंग करने के लिए, मोनिश येमुल को गेंदबाजी करने के लिए बुला जा रहा है। पहली गेंद जस्ट शॉट ऑफ लेंथ गेंद, इस बार मारने की कोशिश में गेंद जाएगी वहां पर स्क्वायर लेग क्षेत्र में, और जब तक फील्डर फील करते 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, टोटल स्कोर 49 49 धावा। मोनिश एमोल, तस राजेश एमोल नावाचं खूप मोठं नाव होतं सोलापूर टेनिस क्रिकेट मधून, सध्या काहीस कोचिंग आणि सध्या काहीस ते शिक्षकी पेशामध्ये सोलापूर मध्ये टीचर म्हणून। शरद पारगे बोलतो मिस्टर शेरू, 49 धावा नाबाद आणि 1.2 षटकानंतर। शेरूने जे बॅटिंग केली त्याच्यासाठी मात्र सन्माननीय मावळा प्रतिष्ठानचे संस्थापक श्रीकांत पाटील साहेबांकडून 1000 रुपयाचं पारितोषिक या ठिकाणी डिक्लेअर करण्यात आलं आहे। इस बार बैटर स्टंप पर आती गेंद ऑन साइड पे गेंद को मारा जा रहा, गेंद जाएगी बिल्कुल डीप स्क्वायर क्षेत्र में। शेरू काफी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं टीम के लिए, और इसी के साथ बिल्कुल श्रीतेज 11 मावला प्रतिष्ठान क्रिकेट टीम के बिल्कुल 50 रन यहां पर पूरे हो चुके हैं। कांग्रेचुलेशन टीम मावला प्रतिष्ठान पुणे, बोले तो कुर्डवाड़ी पुणे। फुल टॉस पे बिल्कुल बॉस, शॉट मारा झकास, और ये शॉट आया है मिस्टर शरद के बल्ले से। तो शरद के बल्ले से निकलने वाला ये धमाकेदार स्ट्रोक निकलता हुआ, और इसी छक्के के साथ स्कोर बोर्ड पे इस वक्त रन संख्या पहुंच रही है 56 रन 56 रन की योग पर। शरद और शेरू की जोड़ी, शरद और शेरू की जोड़ी यहाँ पे बिल्कुल परेशान कर रही है, और टीम इस वक्त सोलापुर के फील्डर्स और गेंदबाज
काफी मायूस है, नाराज है, बिल्कुल भी हताश है, हतबल है। चलेंगे फिर इस बार ये गेंद, स्वर्ग गेंद है इस बार, ये तो गेंद को बिल्कुल बहुत ही दूर मारा इस बार। गेंद कहीं भी डालो भाई, नजर आएगी बाउंड्री लाइन के बाहर हवा के रास्ते। चलेंगे इस छक्के के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, टोटल स्कोर इस वक्त लगभग पहुंचता हुआ, कुल मिलाकर रन संख्या इस वक्त पहुंच रही है 62 रनों की ऊपर। गेंदबाज को लगा धक्का क्योंकि बल्लेबाज ने लगाया पावरफुल छक्का। शीरू बिल्कुल आसमानी शॉट्स और शरद उनका दे रहे साथ। ये शरद का शॉट था, 3 में 13 बने, अब ये 14 रन 15 रन की देखना तो है, लेकिन अब शेरू के लिए स्ट्राइक आएगी, ओवर नंबर ये खत्म हो रहा है। शरद फिर अपने पास स्ट्राइक रखेंगे ओवर नंबर 3 के लिए, लेकिन 2 ओवर के बाद 63 रन और एक ओवर में 48 का ये नया रिकॉर्ड स्थापित हो गया है। तो मेरे ख्याल से राज सर अगर इसी तरह से खेलते रहेंगे तो कितने का टारगेट आपके अंदाज से दिया जा सकता है वापस? ये बड़ा शॉट देखिए, ये जबरदस्त शॉट है, ये आप फिर एक बार देख लीजिए, ये पहले ओवर की रिप्ले और ये ऑफ साइड पर कवर पर, उसके बाद ये तीसरा शायद फ्री हिट था, नहीं ये नो बॉल था तीसरा शायद, और एक्स्ट्रा कवरेज जन में ये चौथा जी, वाइडिश लॉन्गॉन एरिया घुमा दिया कड़ा किधार फ्यार। ओहो ये चौका गया था, एक कुछ मिसटाइम था जरूर लेकिन चौका गया, फिर भी बाउंड्री लाइन के बाहर, हर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर ही लेकर आना पड़ा है। ये ओवर में 7 छक्के 1 चौका जी, जबरदस्त ओवर रहा 48 रनों का। ये आप पहला ओवर का बिल्कुल भी खतरनाक खेल देख रहे मिस्टर शेरू का। चलेंगे फिर से नए ओवर की शुरुआत करने के लिए, किरण अम्बाल को गेंदबाजी करने के लिए बुलाया जा रहा है। शॉर्टेज गेंद, पटकी हुई गेंद, इस बार पावरफुल स्ट्रोक लगा दिया, गेंद गोली की रफ्तार से जाती गेंद स्क्वायर लेग सीमा रेखा के ऊपर से निकलती गेंद 6 रन। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बेमिसाल स्ट्रोक चल रहा है इस बार, शरद के बैट से निकलने वाला बिल्कुल बहुत ही दमदार प्रहार निकलता हुआ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 69 रन की योग पर। चले सोलापुर की गेंदबाज एक तूफान में इस वक्त बह रहा है, एक तूफान में इस वक्त कुछ गुम से हो गए हैं, हवा में गेंद नीचे, खिलाड़ी कैच छूटा भाई, दिल में दर्द उठा। हाँ पोच लाए पट्टा ता मात्र दाव गए छे बगाज रोहित दादा या जरा रोहित धोत्रे प्लीज कम इथे बघा क्रिकेट आणि शेतीचा खेळ, जिथं फलंदाज बाद व्हायला पाहिजे होता तिथं मात्र एक धाव मिळाली आहे। क्रिकेटचा मात्र हा अनिश्चितेनं ठसून भरलेला खेळ। चलेंगे पुढच्या बार किरण गेंदबाजी करेंगे, जिनकी गेंदबाजी का मुकाबला करेंगे, शुरू होंगे स्ट्राइक पर। बहुत ही खराब गेंद इस बार देखिए, विकेट कीपर भी गेंद को पकड़ नहीं पा रहे और गेंद जाएगी बिल्कुल विकेट कीपर के पीछे, निकलती गेंद बैट बॉल और ये 4 रन यानी कि कुल मिलाकर 5 रन आएंगे। एसपी सर इकडे अशा गोष्टीसाठी मात्र नक्कीच मराठी तिक मन आहे, दुष्काळात 13वा महिना और वैसे देखा जाए तो ऐसा भी कहा जा सकता है ये 5 का बंडल बोनस रन के तौर पर दिया जा रहा है। बोनस इंडिया में त्योहारों के अवसर पर दिया जाता है, लेकिन ये क्रिकेट वाला बोनस है, जब भी आप गलती करेंगे सामने वालों के लिए बोनस मिलेगा। बापे पाउंड शतक, ये कहीं जाकर एक थोड़ी सी अच्छी गेंद, टप्पा गिरने के बाद पहली बार ये डॉट गेंद चली जा रही है और अभी भी रुका हुआ स्कोर है 75 रन 75 रन, शायद सैकड़ा बनने की उम्मीद लग रही है बापर। 4 षटकात 100 धावा नक्की हो सकती अशी परिस्थिति है। सध्या शेरू स्ट्राइक वर ऑन साइड ला मिड विकेट एरिया, चेंडू क्षेत्ररक्षक तैनात तिथ, तुडतुडीत बांधा मजबूत खांदा मिड विकेट चा क्षेत्ररक्षक, मात्र धावा या ठिकाणी पळून घेतल्या 2 धावांनी 77। तो शेरू पोचे इन दो रनों के साथ व्यक्तिगत 49 रन की दमदार पारी पे बैटिंग करने की, अपने अर्धशतक से केवल एक कदम दूर है शेरू इस वक्त बैटिंग करने के लिए। 28.88 प्रत्येक षटका मग करंट रेंडेड है, म्हणजे जवळजवळ 29 धावा। हॉटेल तात्यांच्याकडून 500 रुपयाचं पारितोषिक या ठिकाणी मिस्टर शेरू यांच्यासाठी रोख आलंय।
और इसी के साथ शुरू के 50 रन पूरे हो चुके हैं। यहाँ पर बड़ा मैच में बड़ा खिलाड़ी की तौर पर बैटिंग कर रहे हैं, शुरू के बैट से निकलता हुआ बहुत ही बढ़िया अंदाज का स्ट्रोक निकलता हुआ सीधी गेंद ग्राउंड के बाहर जाएगी 6 रन के लिए। चला रोहित धोत्रे यांना विनंती करतो की माझा आवाज जर तुमच्याकडे आला असेल तर तुम्ही ताबडतोब इकडे यावं। रोहित धोत्रे या स्पर्धेचे नियोजन ज्यांच्या मार्फत केलं जातंय, रोहित धोत्रे यांना विनंती करतो की आपण लवकरात लवकर इकडे उपस्थित व्हावं। दरम्यान मारायचा प्रयत्न चेंडू जातो विकेट किपरच्या मागे, ज्यांना क्षेत्ररक्षण केलं गेलं, षटक संपतंय। 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर तब्बल धावसंख्या इथं पोहोचली ती 83 धावसंख्येवर, 83 धावा 3 षटकानंतर, पहाड धावांचा पहाड। तर आता मैदानामध्ये अशा दोन टीम एकमेकाच्या विरोधात आहेत ज्या टीमला हार काय असते ते आतापर्यंत माहितच नाही आपल्या स्पर्धेत। पहिला सामना दोन्ही संघांनी जिंकलाय आपल्या कोट्याचा आणि दोघेही दुसरा सामना खेळत आहे या मात्र नक्कीच लीग स्टेज मध्ये। तर आता सोलापूरकर पहाड या ठिकाणी उभा होतोय, खडा होतोय त्यांच्या समोर आणि तो त्यांना चढावा लागणार आहे। अंतिम 6 चेंडू घेऊन गोलंदाज मिस्टर बबलो बायस आहा सीधा मारा, कैसा यॉर्किंग लेनचा चेंडू होता आणि मिड लॉन्ग ऑफच्या दिशेला एसके, तिथं एसके ने फिल्डिंग किया बिलकुल कसके। 45 नंबरची जर्सी, रोहित शर्माचे फॅन, परंतु आज रोहित शर्माचे फॅन सुद्धा थोडंसं नाराज असतील, नाही नाराज असतील म्हणतोय आम्ही, परंतु नाराजगी आपण हटवली पाहिजे। आ बाहेरची काढ स्क्वेअर थर्ड मे बॅकफुट यांच्या एरियात मध्ये, तिकडे मात्र 2 धावा पुन्हा। मैंने बहुत बार क्रिकेट देखा है, बिल्कुल क्रिकेट देखते हुए ये टीम को देखा है खेलते हुए, लेकिन संगू पाटिल को मैं पहली बार देख रहा हूँ कि विकेट कीपिंग कर रहे हैं वहां पर, क्या और पहली बार विकेट करते हुए भी बिल्कुल ये आसान सा बहुत ही डॉली अंदाज का कैच छूटा है वहां पर। पहली बार है तो शायद हो भी सकता है ऐसा, लेकिन पहली बार लो फुल टॉस गेंद, 30 बार गेंद को ऑन साइड में मारा जा रहा, किरण अंबाल वहां पर स्क्वायर लेग क्षेत्र में फील्डिंग करने के लिए, और इसी बीच इसी सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 87 रन। और किरण अंबाल अगर मैदान में आते हैं जो कि 3 या 4 शतक उन्होंने लगाए थे फोटोग्राफर प्रीमियर लीग में, उस तरह की पारी आज खेलना होगा तब जाकर उनकी टीम जीत सकती है। नकेसा चेंडो शॉट एक्स्ट्रा कवर रीजन, चलेंगे चलिए मिल रहे रन। वैसे देखा जाए तो निश्चित ही फील्डिंग टीम में अगर मैं बात करना चाहूंगा एक फील्डर की बिल्कुल एक खिलाड़ी की कमी जरूर महसूस हो रही है। राहुल चिपरे ने बताया था कि हमारे उमेश वंगारे अगर टीम में होते तो कुछ मजा आता गेंदबाजी करने के लिए। एकूण धाव संख्या सद्या 88 है, शेरू स्ट्राइक वर 58 धावांवरती 16 चेंडू, हा निर्धाव गेला कुणाला भांडू, भांडा स्वतःला, ज्यावेळेस स्वतःशी भांडण होते ना त्यावेळेस मात्र नक्कीच तुमच्याकडून काहीतरी चांगलं होतं। काफी सुपरस्टार खिलाड़ी है उमेश वंगारी जो टीम में आज नहीं है वहां पर। अच्छी गेंद, इस बार गेंद को क्लासिकल अंदाज में गेंद को मारा जाता है, गेंद जाएगी वहां पर, दो फील्डर को केवल देखने का काम करना पड़ेगा कब गेंद जाएगी पहले टप्पे पर, और इसी 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 88 रन 88 रनों की योग पर 316 षटकार मतलब हा चौकार होता। सुंदर गैप 15-4 धावाचं माप, भाई शेरू छा गए आप बिल्कुल 60 पार। तसं आपल्या स्पर्धेत मला वाटतं काय सर 71 आहेत ना, हायेस्ट इंडिव्हिज्युअल किती स्कोरर साहेब आपला, आमचे स्कोरर साहेब यांना विनंती की या स्पर्धेमध्ये इंडिव्हिज्युअल हायेस्ट स्कोर कोणाचा आहे आणि थोडंसं त्याची माहिती द्यायची आहे। तिथलं काम संपल्यानंतर ताबडतोब इकडे चाललंय स्पर्धेला, त्यांच्याबरोबर सौरव हावरे सर असतील पंचांचं कामगिरी करणारा आणि प्रेक्षकांचं मनोरंजन करण्यासाठी खास करून आमचे
कुरडवाड पंढरपूर भागातील एक नामवंत समालोचक म्हणून पंढरपूर नव्हे तर अख्ख्या महाराष्ट्रामध्ये आपलं समालोचन मोहित करणारे माझे सहकारी मित्र राजू वाघबारे सर देखील इथे सर्वांचं मनोरंजन करताना आपण पाहतोय. आणि स्पर्धा यशस्वी करण्यासाठी केसीसी क्रिकेट संघाची टीम, या टीमचं मात्र जेवढं कौतुक करावं तेवढं कमी असेल, कारण ग्रामीण भागातील सर्वात मोठी स्पर्धा मला वाटतं सोलापुरातील ग्रामीण भागाचा हा वर्ल्ड कप बनायला काय हरकत नाही राजू सर, कारण आपण दोघांनी बऱ्याचशा मोठमोठ्या स्पर्धा केल्यात, परंतु या भागाचं नियोजन, या भागाचं आयोजन आपल्याला कसं वाटतंय सर? एकदम झकास, खूपच खास, एकदम मस्त, चुस्त दुरुस्त, अजिबात नाही स्वस्त. प्रचंड पैसा या स्पर्धेसाठी खर्च केलेला आहे, प्रचंड मोठं बजेट असलेली ही स्पर्धा आहे. नाईटची स्पर्धा जवळजवळ 3-4.5-4 लाखाच्या आसपासचे पारितोषिक आणि वैयक्तिक बक्षीस सुद्धा जवळजवळ धरली तर किमान 4.5 लाखापेक्षा जास्त पारितोषिकाची ही स्पर्धा आहे. आणि इतर खर्चही तेवढाच, म्हणजे जवळजवळ 9-10 लाखाचं बजेट असलेली ही स्पर्धा आहे. आणि सोलापूर जिल्ह्याच्या टेनिस क्रिकेटचा हा मात्र आपल्या कर्कमच्या रामभाऊ जोशी मैदानावरती चाललाय तो मात्र टेनिस क्रिकेट ऑफ सोलापूर वर्ल्ड कप. राजू सर अजून एक गोष्ट मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की या गावाने निश्चितच नाईट क्रिकेट स्पर्धेची परंपरा मात्र सोलापूर जिल्ह्यामध्ये लावून दिली मला काय हरकत नाही. प्रथम सोलापूर जिल्ह्यातील सर्वात मोठी पहिली नाईट स्पर्धा भरवण्याचा मान निश्चित कर्कम गावाने मिळवलाय, तेव्हापासून नाईट स्पर्धा सोलापूर जिल्ह्यात झालेल्या आहेत बऱ्याचशा. अगदी खूप मोठा इतिहास कर्कम क्रिकेट क्लब कर्कमच्या माध्यमातून आहे. किरण अब्बाल राजेशला पाहिले चेंडूर यश. तर आपल्या या स्पर्धेची म्हणजे कर्कम क्रिकेट क्लब कर्कम आयोजित केसीसी चषकाची चर्चा चाललेली होती. मला जसं मी समालोचन करतोय तसं या कर्कम नगरीमध्ये नाईट शिवाय स्पर्धा कधी भरत नाही अशा प्रकारची मोठी. केसीसी चषक म्हटल्यानंतर नाईटची परंपरा आहे आणि ती परंपरा परत एकदा या ठिकाणी जपली जाते. थोडासा गॅप एक 8-10 वर्षाचा मध्यंतरी पडलेला होता, पण परंतु त्याच्यानंतर पुन्हा एकदा केसीसी जे आयोजन कमिटी आहेत जे जुने असे खेळाडू आहेत शॉट आणि लॉंग ऑफच्या वरून मारलाय कडक कडकडीत प्रहार. काहीस लक्ष मोठं आहे, टार्गेट मोठं आहे, पण फिकीर नॉट, बेरी हिट, सुपर हिट, लेफ्ट हेड शॉट, व्हेरी हॉट, 6 रन्स, कडक प्रहार आणि सांगितल्याप्रमाणे हा फलंदाज टिकला तर निश्चितच या फलंदाजाने फोटोग्राफर प्रीमियर लीग सोलापूरमध्ये जी स्पर्धा खेळली गेली होती जवळजवळ 5 सामन्यामध्ये 3 षटक मारणारा फलंदाज म्हणून त्याची ख्याती आहे. त्याला मात्र त्या ठिकाणची खेळी तर आठवावं लागेल जर सामना जिंकायचा असेल. नक्कीच काबिलियत आहे, क्षमता आहे, म्हटल्यानंतर त्या क्षमतेचा पुरेपूर फायदा इथं आपल्या संघाला करून द्यावा लागणार आहे. किरण पहिली गेंद पे बनाए 6 रन, टोटल स्कोर छे 1 विकेट के नुकसान पे. दरम्यान खूप जुने असे जाणते खेळाडू आहेत आपल्या या केसीसी क्रिकेट क्लबचे आणि मग संजय मोहिते साहेब असतील, केर नाथाबा मोहिते साहेब असतील, केरबा पवार साहेब, संजय खडके साहेब, संजय धोत्रे साहेब, मिस्टर के लारा, संजय धोत्रे साहेब, संजय खडके साहेब, त्याच्याबरोबर सुनील भाऊ मोहिते साहेब, सुनील भाऊ धोत्रे साहेब सुद्धा इथं आता साथ देत आहेत. कन्हैया काळे साहेब देखील असतील, कन्हैया के साहेब तर अगदी टॉप 3 मध्ये येणार आहेत, टॉप 4 मध्ये असणार आहेत. आणि अलीकडची त्यांची नवीन फौज या ठिकाणी मोठं कष्ट घेत आहेत. ते पूर्वीचे जुने खेळाडू आहेत ज्यांनी भल्या भल्या सोलापूर पुणे भागातील जे टीम होते अकलूज भागातील भल्या भल्या संघांना त्यांनी अगदी जिकिरीस आणलं होतं मैदानात आणि कधी कधी पराभवाचं पाणी सुद्धा पाजलेलं आहे. दरम्यानचा हा चेंडू थोडासा ते जोरात टाकण्याचा प्रयत्न दिशाईन चेंडू टाकला गेलाय. धावसंख्येत एके धावेची भर पडते, वाढती धावसंख्या 11 धावा. या दरम्यान हा चेंडू आडवा फटका मारायचा प्रयत्न, चेंडू जातो सरळ एस रक्षकडे,
पांचवा चेंडू इथं फेकला गेला, दरम्यान धावा झाल्यात 11 धावा। राजेश 11 एक गडी बाद आणि मिस्टर राजेश राजेश सोर्टी द स्टार बॉलर फ्रॉम पुणे साइड। दरम्यान जोरात फटका, कुठलाच दर्शक नसेल इथं आणि चेंडू जातो सरळ स्क्वेअर लेग सी मार्का पार करतोय 4 धावेसाठी आणि या 4 धावेची वाढती धावसंख्या पोहोचली 15 धावसंख्येवर। या स्पर्धेतील जवळजवळ मला वाटतं 219वा चौकार, नक्कीच षटकाराने चौकाराची जबरदस्त मांदी आली, षटकाराने चौकाराची बरसात, अगदी तुफानी पाऊस या मैदानावर पडलाय पहिल्या दिवसापासून। आज 6वा दिवस उजडलेला आहे तरीही जबरदस्त खेळ 6व्या हाफ मध्ये सुद्धा पुणे 2 सोलापूर आणि 1। ओहो इथे तर मात्र हा स्ट्राइक देखना अप्रतिम फटका लगावला गेलाय, चेंडू जातो तो एक्स्ट्रा कव्हर सी बारेशा पार करतोय 6 धावा, येथील 6 धावेची धाव पुलक 318 हा 318वा षटकार या स्पर्धेतील। नक्कीच षटकारांची संख्या वाढत चालली आहे भरपूर षटकार, मी मगाशी म्हटलं की पाऊस पडलाय षटकार चौकारांचा। 21 गडीबाद आणि 1 षटकानंतर मावळा 11 पुणे कुर्डवाडी पुणे म्हणूया या संघाचे मात्र स्पॉन्सर्स माननीय श्रीयुत आणि स्टार खेळाडू कुर्डवाडी भागातून, आणि तसं पाहिलं तर कुर्डवाडी भागातील टेनिस क्रिकेट ज्यांनी मागील 4-5 वर्ष मी बघतोय की ज्यांनी लांबपर्यंत नेलंय असे मिस्टर श्रीकांत पाटील। श्रीकांत पाटील निश्चित युवकांची फळी मात्र जमवली मावळा प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून। दरम्यानचा चेंडू मारायचा प्रयत्न, चेंडू अगदी बॅटीच्या समोरून गेला तो इष्टरक्षकडे, पहिले षटक आपण इथं रिप्ले बघतोय पहा, मिस्टर शेरू यांचं ते पहिलं षटक होतं, शेरूंचे मात्र 7 षटकार आणि 1 चौकाराची खेळी, क्या बात है मिस्टर शेरू। पुन्हा या षटकातील पुढचा चेंडू टाकला, आजच्या दिवसाच्या जबरदस्त हायलाइट म्हणजे ते एकच षटक असेल। हा चेंडू बॅकवर जाऊन मात्र हलकासा पुश केला गेला संघोने, चेंडू जातो तो कव्हरच्या दिशेने, दरम्यान 1 धाव घेण्याची संधी मिळते, 1 धावेने धावपूलक पुढे सरकतोय, वाढती धाव संख्या 22 रन 22 धावा। सोलापूरकरांनी या ठिकाणी मात्र नक्कीच सुरुवात चांगली केली आहे, 22 धावा सध्या धावपळकर आहे, परंतु या स्टार्टला एका वेल फिनिश वेल एंड मध्ये कन्वर्ट करावा लागणार आहे सोलापूरकरांकडे ती क्षमता असेल। अगर आप पुणा वाले हो तो हम भाई सोलापूर वाले। ये तो बिल्कुल मेरे ख्याल से अब तक जितने टूर्नामेंट में मैचेस हो चुके हैं इनमें से सबसे लंबा छक्का 107 मीटर लंबा। निश्चित ही अब तक टूर्नामेंट में बिल्कुल ये महाबली नहीं था स्ट्रोक, महाबली बाहुबली सिक्सर लगाया बल्लेबाज ने, वहां पर किरण अंबाल के बैट से निकलता हुआ, जैसे ही गेंद आसमान में गेंद ऊंची चली गई, जो गेंद बॉल लग रही थी वो नींबू लग रही थी ऊपर जाने के बाद। बिल्कुल 26 रन बनाए इन्होंने और 6 गेंदों पर, वैसे टोटल स्कोर फुलटॉस गेंद आई, बार गेंद को खेला जा रहा, गेंद जाएगी बिल्कुल बॉलर के पीछे लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में, अच्छी फील्डिंग वहां पर की जा रही है, फिर भी 1 ही रन बनाने का अवसर मिला और इस सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता है 29 रन 29 रन। हाइलाइट्स चल रहे यहां पर अब स्क्रीन, चलेंगे पुलिस इस बार गेंदबाजी करने के लिए, गेंद अच्छी गेंद, इस बार गेंद के करीब संघों के बैट से निकलता हुआ खूबसूरत स्ट्रोक है, लेकिन गैप में नहीं खेल पाए, स्ट्रोक काफी अच्छा था लेकिन गैप में नहीं खेल पाए, जिस जगह पे फील्डर को रखा जा रहा है उस जगह पे गेंद जा रही है राज सर, और आगे बढ़ता हुआ स्कोर इस वक्त पहुंच रहा है। वैसे स्कोर बाद में बताएंगे हम, लेकिन हमने इंटरनेशनल क्रिकेट में मिस्टर संगा सुना है लेकिन यहां पर मिस्टर संगू कुमार संगा, यस 30 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार मिडल स्टंप पर आती गेंद, ऑन सर्विंग गेंद को मारा जा रहा, गेंद जाएगी बिल्कुल बिडवी के क्षेत्र में, गेंद आ रही है फिर भी 1 ही रन बनाने का मौका, शाजनीन राइडर्स क्रिकेट टीम का स्कोर आगे बढ़ रहा है 31 रन 31 रन। जबरदस्त, तो नए गेंदबाज गेंदबाजी करने की नहीं है, पहले षटक जे होता ते मात्र या सामन्याचं जबरदस्त, अनेक दिवस आमचे कर्कम आणि पंचक्रोशीतील क्रिकेटचे चाहते ते षटक या ठिकाणी अख्खच्या अख्खं फिट करून ठेवतील आपल्या मेंदूच्या कम्प्युटरमध्ये।
आणि कम्प्युटर मध्ये त्यांची जी असेल मेमरी काहीशी तिथे मेमरी कार्ड मध्ये शरीराव लागलाय चेंडू हा गोलंदाजीला आलाय रोहन खरात। मला वाटतं हा गोलंदाजा मला वाटतं अख्ख्या महाराष्ट्रातील एक नामवंत गोलंदाज म्हणून कमी वेळेमध्ये आपल्या गोलंदाजी छाप क्रिकेट रसिकांच्या मनावर छाप पाडणारा गोलंदाज म्हणून या गोलंदाजाला ओळखलं जाईल। आणि निश्चितच या गोलंदाजाला मात्र राज सर बार्शीमध्ये छत्रपती चषक स्पर्धा झाली होती त्या स्पर्धेमध्ये सर्वांनी याला डोक्यावर घेतलं होतं। एवढी जबरदस्त गोलंदाजी त्या स्पर्धेमध्ये त्याने केली आणि यांचा संघ या स्पर्धेचा अंतिम विजेता ठरला होता। तब्बल 1,70,000 रुपयाचं पारितोषिक त्या स्पर्धेला होतं। किंग ऑफ स्विंग ओ फसे नीचे आ रहे खिलाड़ी विकेट कीपर खुद कितना बेहतरीन ये कैच है। और ये यहाँ पर जितने भी हमारे नए खिलाड़ी है कुछ युवा खिलाड़ी है देख रहे हो ये पुणे वाले खिलाड़ियों को तो इनको सीखना है कि भाई कैसे कैच इतना लंबा दूर कैच था विकेट कीपर खुद भागे कोई और खिलाड़ी वहां गया नहीं एक बेहतरीन कॉल था। और ये ऐसी चीजें होती है तो उसको आपको सीखना है अपने आप में ढालना है तब जाके आप बड़े खिलाड़ी बन सकते हैं। और ये सारा डिसिप्लिन जो है हर किसी खिलाड़ी के अंदर होना चाहिए। और जो बिल्कुल भी शांत तरीके से जो खेल चल रहा है हर कोई अपना अपना जो जिम्मा है रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरी तरीके से निभाने की कोशिश कर रहा है। और ये एक बिल्कुल भी बड़े खिलाड़ियों की निशानियां है तो वो आपके अंदर आपको ढालनी है आपको उसके अनुसार आगे जाना है तब आप जाकर बड़े खिलाड़ी बन सकते हो। रिवर्सिव का प्रयास एक्स्ट्रा कवर रीजन में माफ करिए डीप बैक पॉइंट बाउंड्री लाइन की तरफ ये गेंद और बाउंड्री पार चलिए मिल गया चार। ये राहुल जिब्र है बंदा है राहुल जो कि एक हाथ से सिक्सर लगाने की जिनमें क्षमता है प्रतिभा है वो है खिलाड़ी प्रतिभाशाली खिलाड़ी राहुल जिब्रे। हर बिल्कुल भी दिन का कुछ ना कुछ अलग खेल रहा है लेकिन आज शेरू मिस्टर शेरू का वो ओवर जिसमें कुछ 7 छक्के 1 चौका और पछाड़ दिया यहाँ पर युवराज सिंह साहब को भी पछाड़ दिया यहाँ पर मिस्टर ऋतुराज गायकवाड़ को भी 6 छक्के वैसे वाइड बॉल वैसे टेनिस क्रिकेट में देखो 6 छक्के भी लगाए गए हैं 6 वाइड बॉल भी लगातार डाले गए हैं और 6 विकेट्स भी लगातार गए हैं और ये 7 छक्के और 1 चौका आज नया रिकॉर्ड शेरू द्वारा। वैसे ये ब्रंचेस 93 रनों का वहां पर कुछ मुश्किलें सोलापुर के सामने लेकिन चलिए मुश्किल में ही यहां रास्ता ढूंढ रहे हैं मुश्किलों को ही आसान बना रहे हैं। सब रास्ते जब आपके बंद हो जाते हैं ना तो कहीं ना कहीं आपके लिए नए रास्ते पुराने रास्ते बंद होने के बाद जो है ना नए रास्ते आपके लिए खुल जाते हैं तो नए रास्ते का आप बिल्कुल भी यहां पर ये सर चल रहा है या फिर प्रतिशोध चल रहा है। 43 2 विकेटों के नुकसान पे आखिरी गेंद अब आखिरी ओवर अब बाकी है और इस आखिरी ओवर में जीत के लिए 50 पूरे 50 की आवश्यकता 6 गेंदे 50 भाई ये तो वैसे अगर देखा जाए तो नामुमकिन है लेकिन क्रिकेट की अनिश्चितताओं को अगर आप देखते हो तो भाई ये भी मुमकिन है क्योंकि पिछले हमने पहले ओवर में पहले इनिंग्स के कुछ 48 रन बनते हुए देखा है तो भाई 53 भी बन सकते हैं 50 भी बन सकते हैं तो ऐसी तो उम्मीद मेरे ख्याल से इस मैच में नहीं नजर आएगी क्योंकि बॉलर उतने हर बॉलर उस तरह से बुरा नहीं होता है बुरा वक्त नहीं होता है क्योंकि जो फील्डिंग टीम इस वक्त खेल रही है उनका फेवर बहुत जबरदस्त है तो वैसे देखा जाए तो निश्चित ही मैच इस वक्त पूरी तरह से अपने पकड़ में अपने मुट्ठी में अपने जेब में ले लिया और अभी भी यहां पर बल्लेबाजी करने के लिए जाएंगे नए बल्लेबाज। प्रसाद साहेब असतील प्रसाद आज नाही येते प्रसाद मोहिते हो जेल काहीसा या ठिकाणी मला वाटतं ओव्हर कॉन्फिडन्स थोडासा होता आणि सहज गेले होते शेरू
कुणी अन्य खेळाडू नाहीत परंतु झेल सुटलाय. योगेश देवकर असतील. दरम्यान मारायचा प्रयत्न इथं चेंडू गेला तो पॉइंटच्या दिशेने. एक धाव घेण्याची संधी मिळेल एका धावेची. धावपलक पुढे सरकतोय. 45-3 गडी बाद आणि दोन चेंडूचा खेळ बाकी आहे. जिंकायला 48 धावांची गरज. दोन चेंडू 48. पुन्हा सनी कलदीप गोलंदाजी करतो या षटकातील पुढचा चेंडू घेऊन. मारायचा प्रयत्न पुन्हा चेंडू गेला तो फलंदाला चकवतो. निर्धाव चेंडू टाकला गेला. दरम्यान धावसंख्या अजूनही थांबली आहे 45 धावा 3 गडी बाकी. मगाशी एसपी सर मगाशी म्हटलं होतं की दोन्ही संघ अशा आहेत ज्यांना हार काय असते ती माहीतच नाहीये, परंतु एका संघाला हारावं लागणार होतं आणि ती टीम या ठिकाणी मात्र सोलापूरची शाजनीन रायडर्स. दरम्यान अंतिम चेंडू पुणेकरांनी अडवलाय. नाही मिळू देणारे सहज धावा आणि पुणा अच्छा मात्र आपल्या हातमध्ये. शाजनीन इलेव्हन संघाला विनंती करतो लवकर या टॉस करू. संघुबाई आई जल्दी टॉस करणार आहे. तर एसपी सर आजच्या 6व्या हाफ मध्ये प्री क्वार्टर फायनल मध्ये पोहोचलेली टीम असेल आणि ती मात्र मावळा ग्रुप कुर्डवाडी आणि शिवतेज इलेव्हन. श्रीतेज इलेव्हन मावळा ग्रुप, माफ करा, श्रीतेज इलेव्हन मावळा प्रतिष्ठान कुर्डवाडी पुणे संघ या ठिकाणी खेळतोय. श्रीतेज मावळा ग्रुप इलेव्हन कुर्डवाडी पुणे आणि पुणे तिथे मात्र काय होणे. गोलंदाजी असेल, फलंदाजी असेल, फिल्डिंग साइड असेल, सगळ्याच डिपार्टमेंट मध्ये मात्र अप्रतिम काम केलं या संघानं. मला वाटतं प्रदर्शन फाईन क्रिकेटर संघाचे कॅप्टन थोडस पुढे या. आपण पुढच्या सामन्याची नाणेफेक करूया. चला सोलापूर विरुद्ध सोलापूर, फाईन क्रिकेटर सोलापूर आणि विरुद्ध शाजनीन इलेव्हन क्रिकेट संघ सोलापूर या दोन संघ दरम्यानची लढत आपण इथे पाहणार आहोत. चलिये टॉस. मिस्टर शेरू आपले काही वैयक्तिक बक्षीस आहेत ते आपण घेऊन जायचंय. मिस्टर शेरू आले का? इथं टॉस केला जाईल. मी विनंती करतो आपले कमिटी मेंबर्स. रोहित टॉस कोणाचे?